छठवां और सातवां चरण पूर्वांचल के चरण हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। कारण है, एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। यही वजह है कि दो चरण को मिलाकर पूर्वांचल की 8 सीटें बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई हैं। किस चरण की कौन सी सीट चुनौती बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको। छठे चरण की जंग थम चुकी है, अब सातवें चरण पर चढ़ाई है। लेकिन जिस पूर्वांचल में 24 के चक्रव्यूह की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी पूर्वांचल की 8 सीटें बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण की 27 लोकसभा की सीटों पर फाइट लगातार जारी है। वहीं अगर छठे चरण की बात की जाए तो उनमें 14 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गया है। वहीं 13 शीर्ष सीटें जो कि सातवें चरण की हैं, उन पर मतदान होना शेष है। इन सभी 27 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इन 27 लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर या तो चुनाव मामूली अंतर से जीती या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। अब सवाल ये है कि जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा वहाँ बीजेपी कैसे कमबैक कर रही है, और जहाँ जीत का अंतर महज कुछ 100 या कुछ हजार वोट का था, वहाँ जीत दोहराने की रणनीति क्या है। हम जिन 8 सीटों की बात कर रहे हैं उनमें आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज और मछली शहर, यानी 4 सीटों पर आज वोटिंग हो चुकी है, जबकि 4 सीट गाजीपुर, घोसी, चंदौली, बलिया में इम्तिहान अभी बाकी है। ये 8 सीटें सिर्फ बीजेपी के लिए ही चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष का भी इन सीटों पर इम्तिहान है। वो सीटें जहां विपक्षी खेमा 2019 में जीता था, उस जीत को दोहराने की चुनौती। तो जहां महज कुछ अंतर से बीजेपी जीती थी, वहां विपक्ष के सामने कमबैक की कहानी लिखने की रणनीति का मौका है। ये चरण में भारतीय जनता पार्टी के सामने जिन सीटों पे चुनौती थी उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से कर रही है। ये पूरा इलाका चूंकि सामाजिक तौर पे बहुत जटिल परिस्थितियों वाला है, ढेर सारी जातियां हैं और ढेर सारे इक्वेशंस हैं, और हारी हुई सीटों को लेकर वो पहले से चिंतित थी। विधानसभा चुनाव के समय जिन जिलों में ज़्यादा विधानसभा सीटें हारी थी वहाँ पे उन्होंने बहुत खास तौर पे मेहनत की है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस बार सोशल इंजीनियरिंग का अपना जो इक्वेशन उन्होंने बनाया है उसको लेके वो काफ़ी संजीदा है, उन्हें लगता है कि इससे बीजेपी को मात दे पाएंगे। पूर्वांचल के एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटें गवा दी थी, तो 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। इसी तरह 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत सके थे। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बावजूद ये नतीजे आना वाकई एक चुनौती को जन्म देते हैं। 2024 का सारा समीकरण पूर्वांचल की इन्हीं 8 सीटों को साधने का है। बहरहाल नाक का सवाल बनी 8 सीटों में से 4 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, बची हुई 13 में से 4 सीटों पर तैयारियों को आखिरी टच दिया जा रहा है। भले ही ये 8 सीटों का सवाल हो, लेकिन मिशन 400 पार में इन 8 सीटों पर भगवा लहराना भी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 80 में से 80 का सपना इसके बिना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 सीट ऐसी रही हैं जहां पर बस बीजेपी किसी तरीके से जीत सकी थी। जाहिर है कि उन तीनों सीट्स को कंटिन्यू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। चंदौली, मछली शहर और बलिया, ये वो 3 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत कम वोटों से 2019 के चुनाव में जीती थी। मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे कम अंतर रहा था, बीजेपी ये सीट महज 181 वोटों से ही जीतने में कामयाब हुई थी।
मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2024 में सीट बचाए रखने की चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। कुछ यही कहानी चंदौली सीट की भी है। बीजेपी ने पूर्वांचल की चंदौली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, हालांकि यहां जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं था। चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और 2019 में 13,959 वोट से ही वो चुनाव जीते थे और इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर दांव चलाया। चंदौली में मौर्य लोगों की निर्णायक भूमिका हुआ करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौर्य लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं। जाहिर है कि अगर मौर्य वोट बीजेपी से कटते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे के लिए नुकसानदायक यहां पर साबित हो सकता है। इसी तरीके से बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,519 वोटों से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं किया। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को अपना कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। नीरज शेखर की स्थिति यहां मजबूत है, पर सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। ये सीट भी बीजेपी को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। हमने अब तक वो सीटें आपको बताई जहां पर बीजेपी 2019 में जीती तो थी, लेकिन अब उस सीट की बात करते हैं जहां पर 2019 में तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के आम चुनाव में आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला काम कर रहा है। हालांकि अखिलेश के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। गुड्डू जमाली जब समाजवादी पार्टी के अब साथ आ गए हैं, तब वो बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरे थे उपचुनाव में, और गुड्डू जमाली के साथ आ जाने के बाद ये फैक्टर बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। ये तो रही आजमगढ़ सीट की कहानी। पूर्वांचल की कुछ और सीटें हैं जिन पर जीत तो बीजेपी की हुई थी, लेकिन मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी के सामने कैसी चुनौती है इन सीटों पर वो भी समझ लेते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट से भी 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार बाहुबली धनंजय सिंह का फैक्टर इस चुनाव में बेहद अहम है, क्योंकि धनंजय सिंह ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है, समर्थन का ऐलान कर दिया है। वैसे भी 1984 से 2014 तक इस सीट पर काबिज रही बीजेपी को वापसी की बेहद जरूरत भी है। घोसी सीट भी पूर्वांचल की उन 5 सीटों में शामिल है जहां पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीएसपी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। अतुल राय को 1.25 लाख वोटों से जीत मिली थी। फिलहाल इस सीट पर इस बार बीजेपी खुद नहीं बल्कि सहयोगी राजभर की पार्टी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, मतलब राजभर की पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि सीट पर समीकरण इस बार बेहद दिलचस्प बन चुका है और कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अगली सीट गाजीपुर की है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, लिहाजा गाजीपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। 2019 में बीएसपी के अफजाल अंसारी ने यह सीट 1 लाख से अधिक वोटों से हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश इस सीट पर भगवा रहना नहीं।